गाइस तो मैं आपको चेतन जैक्सन हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप गाइस आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9, अभी हम सब उठ चुके हैं। रात को थोड़ा लेट सो जाते, तब सब सुबह आज संडे है तो इसलिए लेट उठे, नहीं तो तुम तो जाते सुबह जिम जाते तो जल्दी उठ जाते। तो आज के ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आज क्या मस्ती करेंगे। आज का ब्लॉग आप पूरा देखें, आपको बहुत मजा आएगा। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आज का ब्लॉग पूरे जरूर देखें। आज हमारे यहाँ पर बने माई फेवरेट कढ़ी चावल, चलिए खाते हैं। अरे लग जाएगी, आँख फूट जाएगी, आग फूट जाएगी, तुम्हें फोल देंगे हम। क्या कर रहे हो? नहीं जीत के हम जीतेंगे। अरे लग गई, अरे लग गई है। शाम के बज चुके हैं 5, अभी मैं नहा देता हूँ रेडी। मैंने लेट लेट नहाया कि सो गया था अभी मैं। तो मैंने अभी बनाया अपने हाथ से कुछ पीले वाले चावल, मम्मी भाई के लिए बनाए। मम्मी कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बता, सही है। मैं आ गया, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। अरे बढ़िया, मैं भी खा के देखता हूँ। कैसे आपके लिए एक सरप्राइज था। तो अभी हम जा रहे हैं मथुरा। आप कहोगे सुबह से कुछ नहीं किया, अभी रैंडमली मथुरा। तो भाई मेरा प्लान था कि आपको सरप्राइज करना है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का, मतलब यहाँ से झांसी स्टेशन। अभी आ चुका हूँ झांसी स्टेशन, तो लिखा है देखो आई लव झांसी। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, हमारे जुड़ चुका है अरब, आप जानते होंगे मेरा भाई। और मेरा भाई एक दोस्त और है राज, वो भी चलने वाला है, वो बैठा है स्टेशन के अंदर, हम स्टेशन बाहर थे। तो आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं झांसी से सीधे मथुरा ये ट्रेन के द्वारा। तो देखते कितना अच्छा सफर होता है। तो भाई अगर आपको भी होली पे आना हो, टाइम वेस्ट मत करें और सीधे चलाएं, लेकिन भीड़ तो बहुत है, लेकिन क्या कर जाना तो पड़ेगा ही। आप लोगों के प्यार इतना दे रहे हैं, आपको दिखाना पड़ेगा मथुरा की होली, वृंदावन बरसानी की होली। चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग आप पूरा देखें, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आज का सफर बिल्कुल लंबा होने वाला है और मज़ा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फाइनली हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आ रहा हूँ, कैसा महसूस हो रहा है? राज भाई भी आ गए, भयंकर भीड़ है। देखो देखो भाई, देखो अंदर, देखो अंदर, देखो पूरा भरा पड़ा है, क्या बताएं। हम लोग अभी टिकट से चलेंगे, टिकट लेके, लेकिन स्लीपर में बैठ गए क्योंकि भीड़ इतनी चलने में बहुत ज़्यादा भीड़ है। नहीं देखते हैं कैसा क्या होता है, चलिए बने रहिए। रास्ते मिले बहुत तेजी भैया, देखो कितनी भयंकर मस्ती कर रहे हैं, भयंकर भाई ने बहुत अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग बस निकले ही थे झांसी से, अभी अभी हमने निकल चुके स्टेशन से, स्टेशन छोड़ चुका है पीछे पर, ये जा रही है आगे ट्रेन। ये भाई बैठा है हमारे से ट्रेन पे, लेकिन ऐसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जा आराम से बैठना। अरे हम तो आराम से बैठे यार। ठीक ठीक, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग वैसे फाइनली सीट पर बैठ चुके हैं, भाई थे केरल तमिलनाडु से, सीट दे दी है। कितनी भरी हुई है हर जगह, देखो नीचे लोग लो लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अभी सीजन चल रहा है होली का, सभी लोग मथुरा जा रहे हैं, आधे ज़्यादा ट्रेन में लोग पूरे मथुरा ही जा रहे हैं, सब राधा रानी की परिक्रमा लगाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, होली खेलने के लिए। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ 50% ही होंगे सब जा रहे हैं, सब ज़्यादातर आधे लोग तो बिना टिकट के हैं गाइस, बिना टिकट के हैं, कैसे तो सफ़र कर लेते हैं। देखो इतनी भीड़ है, खड़े होने के लिए जगह तक नहीं है, इतनी भीड़ है। नीचे बैठ जाना। गाइस अब जैसे ट्रेन में आओगे आपको जो है नया नया ज्ञान मिलेगा। इतनी अच्छी अच्छी डिबेट होती है ट्रेन में, अभी शाम में डिबेट चल रही है बेहतरीन, मज़ा तो इतना आ रहा है कि मैं चलो अभी चल रही है ताजमहल पे, किसने बनवाया, हाथ क्यों कटवाए थे, बढ़िया ये ज्ञान दे रहे हैं। अब लोगों भी अंकल भी ज्ञान दे रहे हैं। मनी यू फ्रॉम तमिलनाडु से है, दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु, बहुत अच्छे गाए हैं भाई, बहुत ही अच्छे। फिर से बात हुई थी हम लोगों की इंग्लिश में, कि हिंदी इन लोगों को टोटली हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में लोग बात करेंगे। हमारे चैनल उसने सब्सक्राइब भी किया,
अच्छा लगा थोड़ा उससे, कह रहे भैया बहुत अच्छा लगा, ठीक है अच्छी बात है, मुझे ऐसे लोग से प्यार मिलता है अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाहर में बगल में आरा बैठे हुए हैं, मैंने बैठा लिया ऊपर, तुम भी आना, क्या करें भीड़ इतनी है, हमारी सीट पर दूसरे लोग बैठे हैं, हमें भी आ गए बैठने के लिए। लेकिन मज़ा बहुत आया सफर में, पता नहीं चला कब, अभी हम आ चुके हैं मुरैना स्टेशन, ग्वालियर एक घंटे पहले आए थे, अभी हम चुके हैं मुरैना स्टेशन, मथुरा हम लोग पहुँचा अराउंड हम 2:30 बजे पहुँच जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में, चलिए देखते हैं। फाइनली आ चुके हैं हम मथुरा रेलवे स्टेशन पर, तो रात के बज चुके हैं 3:02, हम आ गए, क्राउड बहुत ज़्यादा है, सब में बहुत जोश है, आपने देख ही लिया होगा, सब जयकारे लगा रहे हैं भगवान जी के, बहुत ज़्यादा भीड़ है हर जगह, क्योंकि होली के अवसर पर सभी लोग आते हैं घूमने के लिए। हम लोग आए थे दक्षिणा एक्सप्रेस से 111-08 ट्रेन नंबर से आए थे हम लोग, उसका राइट टाइम था 2:30 बजे, लेकिन वो आधे घंटे लेट थी, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं अभी। आप भीड़ देख पा रहे हो, देखो इतनी भीड़ आ चुकी है, बहुत भीड़ है, बहुत है, ऊपर भर गई है, ऊपर बैठ रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसी दुर्घटना होती है, लेकिन देखो फिर भी इंसान भर रहा है। गाइस सुबह के बज चुके हैं 4 और हम लोग अभी हैं रेलवे स्टेशन पे, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह बहुत हो चुकी है, आज का व्लॉग एंड करना पड़ेगा। हम लोग फाइनली आ चुके हैं आराम से, बहुत अच्छी तरीके से मथुरा में, कोई दिक्कत, आराम से आ चुके हैं मथुरा में, अभी हम लोग बैठे हैं यात्री का जो साउथ, मतलब यात्री का साउथ में थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे सीधे वृंदावन के लिए। गाइस आज का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, आप आज के लिए अलविदा, मैं आपके जितेंद्र जैक्सन, जय हिंद जय भारत।